Yes, accounting for incomplete records. Today we are going to start. This chapter also carries 5 marks weighted in your final exam. This is accounting for incomplete records, or sometimes informally we will be calling this chapter single entry system. We call it single entry system. By whom the system is adopted? By the small business houses, small businessmen. As per their convenience, they will just be recording only a single aspect of the transaction. वैसे हमारा accounting क्या कहता है? For every debit there should be a credit. तो they usually record a single aspect of the transaction. Like सामान बेचा तो sale को record कर लिया, लेकिन cash book नहीं बनाई. या cash book maintain करी है तो sales book नहीं बनाई, sales account नहीं बनाया. Sorry, sales book तो credit sales के case में बनती है. So only one aspect they use to record, and that is only for their पर्सनल पर्पस. ठीक है, कई बार गली मोहल्ले में जो छोटी छोटी दुकानें हैं, आप कुछ लेके आते हो उनसे, तो उन्होंने एक कॉपी सी लगाई होती है, वहीं पे लिख लेते हैं कितने का मैंने ये सामान बेचा. और कभी उनके पास कुछ अवेलेबल नहीं होता तो वो कहते हैं शाम को आके ले जाना, लिखवा जाओ. दैट ऑल्सो दे राइट इन देयर नोटबुक. तो डेली वो अपनी कुछ ट्रांजेक्शन का अपनी कन्वीनियंस को माइंड में रखते हुए जो लिख के रिकॉर्ड बनाते हैं, उसे हम या तो सिंगल एंट्री सिस्टम कहते हैं या अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स कहते हैं. इनके लिए कोई मैंडेटरी नहीं होता, कुछ कंपल्शन नहीं होती कि ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएं या ना बनाएं. इट इज ओनली फॉर द पार्टनरशिप फर्म, और यू कैन से फॉर द कंपनीज हु प्रिपेयर देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन ऑर्डर टू नो देयर प्रॉफिट और लॉस. बट व्हेन वी टॉक अबाउट अ वेरी स्मॉल स्केल बिजनेस हाउसेस, दे डू कीप द रिकॉर्ड ऑफ देयर ट्रांजेक्शंस, बट नॉट एज पर द लॉस. ये कोई रूल्स और रेगुलेशन नहीं फॉलो करते, अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं क्या मेरे को रिकॉर्ड करना है और क्या नहीं करना. उस सारे सिस्टम को हम बोलते हैं अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, क्योंकि ये कम्प्लीट रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करते. या फिर हम इसे कहते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम. डबल एंट्री में होता है ना, फॉर एवरी डेबिट देयर इज रिवर्स क्रेडिट. तो यहाँ पे ओनली वन आस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन इज यूजली बींग रिकॉर्डेड. और जो जो अकाउंट्स यहाँ पे बनते हैं, या तो ये अपनी कन्वीनियंस के लिए कैश बुक बनाते हैं, अगर इन्होंने उधार पे सामान बेचा है तो डेटर्स का अकाउंट बना लेंगे, अगर उधार पे खरीदा है तो क्रेडिटर्स का अकाउंट बना लेंगे. ठीक है, सो इन ऑर्डर टू नो देयर प्रॉफिट एंड लॉस, दे नेवर प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट. दे हैव अ फॉर्मूला. ठीक है, उस फॉर्मूला को अप्लाई करके हम लोग इन स्मॉल बिजनेस हाउसेस के लिए प्रॉफिट की कैलकुलेशन किया करें. So as they are not following the double entry system of your accountancy, so they are never preparing balance sheet. Instead of preparing balance sheet, they do prepare statement of affairs. So in this chapter, we will learn how to prepare statement of affairs. And these statement of affairs will be telling you the balancing figure of the opening capital of the proprietor as well as closing capital of the proprietor. So two types of statement of affairs we will be preparing in this chapter. On the same lines of your balance sheet, left hand side is statement of affair की भी liability हुआ करेगी, right hand side पे हम asset लिखा करेंगे, और asset side का total अगर liability side से ज्यादा है तो balancing figure को हम capital कहा करेंगे. Statement of affairs, two types of statement of affairs we will be preparing. We will be calling it opening statement of affairs, which we will be preparing at the beginning of the year, and closing statement of affairs. क्वेश्चन अराइज होता है ये प्रॉफिट कैसे निकालेंगे. फॉर दैट वी नेवर प्रिपेयर एनी टाइप ऑफ लेजर एज वी हैव लर्न्ड इन आवर फाइनल अकाउंट्स. फाइनल अकाउंट्स की तरह ये पी एंड एल अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाते. देन हाउ दे डू कैलकुलेट देयर प्रॉफिट, दे प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, जो भी आपको साल दे रखा होगा फॉर द ईयर एंडिंग. ठीक है, तो एक तरह की स्टेटमेंट बनानी है. That will be like this way. This will be for particulars. This will be for amount. This statement will take into consideration the opening capital as well as closing capital. Opening capital हो सकता है कभी क्वेश्चन में गिवन हो,
यहाँ हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना के ओपनिंग कैपिटल भी खुद कैलकुलेट किया करेंगे और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जब हम बनाएंगे तो वी विल बी हैविंग एन आइडिया अबाउट द क्लोजिंग कैपिटल राइट. सो दिस फॉर्मेट और दिस स्टेटमेंट विल गेट स्टार्ट विद क्लोजिंग कैपिटल. आई विल बी कॉलिंग इट इन द क्वेश्चन कैपिटल एट द एंड. उसमें अगर आपको ड्रॉइंग्स दे रखी है तो आपने ऐड करनी है. अगर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स दे रखा है तो वो भी ऐड करना है. अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है तो वो माइनस करना है राइट. और अगर प्रॉफिट है तो ऐड करेंगे, अगर लॉस है तो माइनस करेंगे. मैंने दोनों साइन डाल दिए, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस दोनों की ट्रीटमेंट. जो सारा कुछ कर कर आज और एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड वो भी लेस करना है. एडिशनल कैपिटल आपको जनरल के चैप्टर में सिखाया होता है व्हेन द न्यू कैपिटल द प्रोप्राइटर ब्रिंग्स इनटू द बिजनेस. जब दोबारा से कैपिटल लेके आता है तो उसे एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कहते हैं, दैट इज ऑल्सो टू बी डिडक्टेड. ये सारी आइटम्स प्लस माइनस करने के बाद आपके पास जो कैपिटल आती है स्टूडेंट्स, उसे हम क्वेश्चन में एडजस्टेड कैपिटल कहा करेंगे. मार्क इट एज वन. Adjusted capital is always to be compared with the opening capital. If adjusted capital is more than the opening capital, then profit will be there. तो profit छोड़ दो, profit नहीं लिखेंगे क्योंकि profit तो हम calculate कर रहे हैं. तो ये profit जो plus minus मैंने लिखवाया ये रहने दो, मैंने final accounts की तरह लिख दिया. That you will not. That तो he will be asking from us to calculate. ठीक है. तो I am repeating, अगर question में drawings है, final accounts का बिल्कुल reverse है. ड्रॉइंग्स वैसे माइनस किया करते थे क्योंकि मैंने एडजस्टेड कैपिटल पे आना है और कैपिटल एट द एंड इज माय बिगिनिंग पॉइंट. तो व्हाट वी हैव ऑलरेडी डन उसे रिवर्स कर दो. ड्रॉइंग्स ऐड करनी है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी ऐड करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करना है, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस भी माइनस करना है. जो सारा प्लस माइनस करके आएगा उसे एडजस्टेड कैपिटल कहेंगे. दैट इज टू बी कंपेयर्ड विद ओपनिंग कैपिटल. उसमें से ओपनिंग कैपिटल माइनस करो, उसे नंबर टू बोलो. अगर 1-2 आपका पॉजिटिव आता है तो आपका प्रॉफिट होगा. अगर ओपनिंग कैपिटल ज्यादा है और एडजस्टेड कैपिटल कम है तो योर आंसर विल बी लॉस. इफ यू डिडक्ट 1-2 वी विल बी कॉलिंग इट प्रॉफिट. और अगर 2 ग्रेटर है, मतलब ओपनिंग कैपिटल ग्रेटर है और एडजस्टेड कैपिटल कम है, दैट इज 2-1, देन वी विल बी कॉलिंग इट लॉस. सो दिस इज द वे, दिस इज द फॉर्मूला व्हिच यू विल बी अप्लाइंग फॉर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट under your single entry system. Okay. Before we proceed to the numerical portion of this chapter, we have certain theoretical points that we are going to read. How he started the meaning of single entry system. It is difficult to define the accounts from incomplete record because there exists no system like single entry system. Hamara accounts isse permit nahi karta, hamara income tax law isse permit nahi karta, but even then few business houses they use it. And it is not a customized method, ठीक है? किसी ने इसे बनाया नहीं है. अपनी convenience को देखते हुए businessman ने अपने according और अपने comforts के according इसमें अपने हिसाब से recording करनी शुरू कर दी. किसी book में नहीं लिखा इसके बारे में. Though it is not being legally permitted by our income tax law, but even then most of the business houses uses it. And as it is a part of our syllabus, we are discussing it in the class, ठीक है? It is a system which is developed by, underline karo, some small scale entrepreneurs for their convenience and more practical approach. They do not follow the rules of, yahan pe double entry system ke rules nahi follow hote, wo apni convenience ko dekhte hue, jo unka man karta hai wo likh ke record karte hain, jo unka man karta hai ignore kar dete hain. Kyunki inke upar koi check thodi na hai. किसी ऑडिटर या सीए से इन्होंने कोई चेकिंग नहीं करवानी. इन्होंने अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग अपने हिसाब से अपने बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर लेना. तो सिंगल एंट्री सिस्टम की एक डेफिनेशन देखना, कार्टर क्या कहता है. सिंगल एंट्री इज अ मेथड और अ वैरायटी ऑफ मेथड्स एम्प्लॉयड फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन. यहाँ पे कोई जर्नल एंट्रीज नहीं होती. विच इग्नोर्स द टू फोल्ड एस्पेक्ट, डबल एस्पेक्ट को हम फॉलो ही नहीं करते. एंड कॉन्सिक्वेंटली फेल्स टू प्रोवाइड द बिजनेस मैन विद द इन्फॉर्मेशन नेसेसरी फॉर हिम to be able to ascertain the position. क्योंकि सारा hit and trial method है, पंजाबी में बोलते हैं तीर तुक्का वाली बात है. तो कभी भी इस method को adopt करके businessman अपने business का सही position judge नहीं कर पाता. But even then they use it
they use it for their own purpose, they use it for their own convenience, लेकिन ये मेथड उतना ऑथेंटिक नहीं है जितनी ऑथेंटिसिटी से हमें ट्रेडिंग अकाउंट हमारा ग्रॉस प्रॉफिट बताता है, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें नेट प्रॉफिट बताता है, और बैलेंस शीट की प्रिपरेशन और एंड में उसकी मैचिंग हमें बताती है व्हाट इज आवर पोजीशन विद रिगार्ड टू एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम यहाँ पे यूज नहीं किया जाता, अपनी आसानी के हिसाब से इस मेथड को डेवलप किया गया। आगे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के जो अकाउंटिंग प्रोसेस है वो आगे चार तरह के नहीं तीन तरह के हैं। वन इज प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम? इस मेथड के अकॉर्डिंग सिर्फ दो तरह के लेजर अकाउंट बनाए जाते हैं, वन इज ऑफ डेटर एंड अदर इज ऑफ क्रेडिटर। मीन्स डेटर अकाउंट बना के हमें ये पता चलता है हमने कितना पैसा अपने कस्टमर से लेना है, क्रेडिटर्स अकाउंट बना के हमें ये पता चलता है हमने कितना पैसा अपने क्रेडिटर्स को पे करना है। तो इस सिस्टम के अकॉर्डिंग ओनली पर्सनल अकाउंट्स और डेटा आर ऑफ टू टाइप्स आर प्रिपेयर्ड। वी जस्ट इग्नोर टू प्रिपेयर नॉमिनल एंड रियल अकाउंट। यू कैन वेल इमेजिन क्या इन दो पर्सनल अकाउंट के अलावा हमारे बिजनेस में और कोई अकाउंट ही नहीं है? वी डू हैव सो मेनी रियल अकाउंट्स, वी डू हैव सो मेनी नॉमिनल अकाउंट्स, बट ऑल दैट अकाउंट्स आर बीइंग इग्नोर्ड हियर। So we just focus on some personal account क्योंकि हमें लगता है अपने business को चलाने के लिए debtors से time पे पैसा मिलना और अपने creditors को time पे पैसा pay करना is our main responsibility. So that system we call pure single entry system. Now second method is, second model of single entry system is simple single entry system. यहाँ पे personal account तो बनेंगे ही, साथ में cash book भी बने, because अब थोड़ा थोड़ा और डेवलपमेंट हुई, हमारे बिजनेसमैन ने ये सोचना शुरू किया कैश का आना और जाना भी तो हमें पता होना चाहिए, बिकॉज कैश का इनफ्लो एंड आउटफ्लो इन द बिजनेस मैटर्स अ लॉट। सो विद पर्सनल अकाउंट दे स्टार्टेड एडिंग कैश बुक ऑल्सो। सो जब आप पर्सनल अकाउंट्स के साथ कैश बुक भी मेंटेन करते हो तो हम उस सिस्टम को सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम कहते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव थर्ड मॉडल विच वी कॉल क्वासी। So quasi is a combination of something. तो quasi में पहला method भी आएगा, दूसरा method भी आएगा and something else. Means quasi में personal account भी आना है, cash book भी आना है and some other subsidiary books like sales book you will be preparing if you have credit sales, purchase book you will be preparing if you have credit purchases. और इसके साथ हमने subsidiary book के chapter में वैसे छोड़ दिया था BR book और BP book भी बनाई जाती है। So when with first two methods you are adding something else which we call subsidiary books, then that method we will be calling quasi single entry system. Now come to the salient features of single entry system which will help you a lot to understand what actually this concept is. Pehla, maintenance of personal account. Ye ek aisa system hai jisme sare personal accounts banaye jaate hain students, that can be of debtors, that can be of yes creditors. इस सिस्टम में उसने एक्सप्लेनेशन में यही लिखा, यूजुअली हम रियल और नॉमिनल अकाउंट प्योर वाले सिंगल एंट्री सिस्टम में इग्नोर करते हैं। मेंटेनेंस ऑफ कैश बुक, हैड यू बीन प्रिपेयरिंग योर सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम तो विद पर्सनल अकाउंट समटाइम्स हम कैश बुक भी बनाते हैं। डिपेंडेंस ऑन ओरिजिनल वाउचर्स, जो भी क्योंकि जर्नल इसमें करना नहीं बनाना नहीं है, लेजर आप बनाते नहीं हो और बनाते भी हो तो गिने चुने बनाते हो, तो जो भी आपने यहाँ पे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया है जर्नल आपने पास नहीं करी एंट्रीज, तो आप वाउचर्स की हेल्प लेते हो। लाइक इफ यू आर प्रिपेयरिंग योर डेटर्स अकाउंट तो आपके पास क्या आया होगा, बिल बुक में से आपने अपना इनवर्ड इनवॉइस, इनवर्ड नहीं आउटवर्ड इनवॉइस देखा होगा, ठीक है। आपने जो इनवॉइस अपने कस्टमर को बना के भेजा उसकी डुप्लीकेट कॉपी उसको भेजी, ओरिजिनल आपने अपने पास रखी होगी, दैट इज अ वाउचर फॉर यू। सो यू विल बी टेकिंग द हेल्प ऑफ दैट वाउचर इन ऑर्डर टू कंप्लीट योर डेटर्स अकाउंट, राइट। क्रेडिटर्स में उसने आपको इनवॉइस भेजा होगा, उसे बोलते हैं इनवर्ड इनवॉइस, आपके सप्लायर की तरफ से जो आपको बिल आया उसको देखते हुए आप अपने क्रेडिटर्स अकाउंट की एंट्रीज की क्या करोगे, पोस्टिंग करोगे। सो सिंगल एंट्री में जो भी ट्रांजेक्शन्स एंटर की जाती हैं, जो भी लेजर अकाउंट गिने चुने बनाए जाते हैं, उसके लिए हमारे पास एविडेंस कहाँ से आते हैं, दैट एविडेंसेस आर बेसिकली द वाउचर्स इन आवर हैंड। वाउचर्स के बारे में आपको करवाया होता है। नो यूनिफॉर्मिटी, आपकी गली मोहल्ले में एक दुकान है गुप्ता किराना स्टोर और दूसरी क्या है शर्मा बेकर्स, बोथ आर द स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स एंड बोथ आर फॉलोइंग सिंगल एंट्री सिस्टम। तो जो शर्मा बेकर्स सिस्टम फॉलो कर रहा है जरूरी नहीं है गुप्ता किराना स्टोर भी वैसा ही सिस्टम फॉलो करे, बिकॉज बोथ ऑफ देम दे आर यूजिंग द सिस्टम
एज पर देयर ओन कन्वीनियंस. कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई गवर्नमेंट ने आके आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स की चेकिंग नहीं करनी. नथिंग इज मैंडेटरी ऑन योर पार्ट. सो वॉट एवर यू आर रिकॉर्डिंग दैट इज फॉर योर ओन बेनिफिट, दैट इज फॉर योर ओन पर्पस. आपको किसी ने डंडा लेके नहीं बोला कि ऐसा करो और ऐसा करो, नहीं करोगे तो ये गलत होगा. नो वन इज देयर टू रिस्ट्रिक्ट यू, नो वन इज देयर टू फोर्स यू कि आपको ये करना चाहिए. ठीक है, तो इसलिए इसमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी. मिस्टर ए अगर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को सिंगल एंट्री से बना रहा है, मिस्टर बी भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को सिंगल एंट्री से बना रहा है, तो दोनों में सिमिलैरिटीज का होना जरूरी नहीं है. देयर कैन बी सो मेनी डिससिमिलैरिटीज. फ्लेक्सिबिलिटी, आप अपनी मर्जी से चाहो तो आप प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम यूज कर सकते हो, आप चाहो तो सिंपल सिस्टम यूज कर सकते हो, आप चाहो तो क्वासी भी यूज कर सकते हो, बिकॉज देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, सो यू कैन शिफ्ट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर. फ्लेक्सिबिलिटी है. सुटेबिलिटी, तो द टाइम आई स्टार्टेड दिस चैप्टर आई टोल्ड यू इट इज सुटेबल फॉर स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स, राइट. द सिस्टम इज सुटेबल इन केस ऑफ स्मॉल प्रोप्राइटरी एंड पार्टनरशिप. पार्टनरशिप फर्म्स बहुत ही स्मॉल स्केल पे चलती है, ठीक है. वैसे पार्टनरशिप लिखना नहीं चाहिए इसको, स्मॉल और सोल प्रोप्राइटर्स के लिए ही यूजफुल है. लिमिटेड कंपनीज कांट अडॉप्ट द सिस्टम ऑन अकाउंट ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट, क्योंकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी के सिर के ऊपर बहुत सारा बोझ होता है कंपनीज एक्ट के लॉज और प्रोविजंस को फॉलो करने का, ठीक है. तो कंपनीज सिंगल एंट्री सिस्टम को कभी यूज नहीं करती, इट इज यूजुअली बीइंग यूज्ड बाय द सोल प्रोप्राइटर्स. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, यूजेस एंड लिमिटेशंस ओनली वी विल कवर. फीचर्स हम लोगों ने कर लिए, मीनिंग कर लिया, मॉडल्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम कर लिया. नाउ वी हैव यूजेस, मींस एडवांटेजेस. सिंपलिसिटी, सिंपलिसिटी, इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. कुछ गिने चुने लेजर अकाउंट ही तो बनाने हैं. अगर ज्यादा से ज्यादा आप क्वासी में भी जाओगे तो यू विल बी प्रिपेयरिंग कैश बुक, डेटर्स, क्रेडिटर्स एंड फोर सब्सिडियरी बुक्स. तो यू कैन वेल इमेजिन तीन और चार, सात लेजर अकाउंट बना के सारा बिजनेस कवर कर लिया भैया आपने. Most of the nominal accounts you just ignore to prepare. In that context, we call it is a very simple method to understand to maintain the accounts. Limited number of accounts. अगर आप pure system में रहते हो, pure was the first model, जिसमें सिर्फ एक debtor account बनाना, एक creditor account करना. That's it. So limited ledger accounts यहाँ पे बनते हैं, तो आपकी headache और आपकी botheration क्या हो जाती है, कम हो जाती. Inexpensive. सोल प्रोप्राइटर के पास ना तो इतने रिसोर्सेज है कि वो बाहर से कोई अकाउंटेंट हायर करे या क्लर्क हायर करे, ये सारा सिस्टम वो खुद कर लेता है, इसलिए इसको ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं होती. इट इज अ चीपेस्ट सोर्स या वे टू मेंटेन योर लेजर अकाउंट्स. यूटिलिटी ऑफ सर्टेन अकाउंट्स. बिजनेसमैन हमेशा यही समझता है कैश बुक के बिना मेरा नहीं चल पाएगा, डेटर्स और क्रेडिटर्स अकाउंट बनाए बिना मेरा नहीं चल पाएगा, सो दैट्स व्हाई ही जस्ट फोकस ऑन द लिमिटेड नंबर ऑफ अकाउंट्स. Tax evasion. Sometimes this system is purposely adopted to deceive the taxation authorities. कई बार क्या होता है, आपका business का scale वैसे बहुत बड़ा होता है, लेकिन tax authorities को cheat करने के लिए या tax से बचने के लिए आप इस system को consciously use करना शुरू कर देते हो, तो ये system आपकी tax बचाने में भी help करता है. क्योंकि जो business houses single entry system को follow कर रहे हैं वो यही शो करेंगे कि हमारा प्रॉफिट बहुत कम है इसलिए हम टैक्स नहीं पे कर रहे, ठीक है. अकाउंटिंग फॉर एन इवेंट, यस, वेरी गुड एग्जांपल ही हैज गिवन. और आमतौर पे घरों में आपके पेरेंट्स इस मेथड को कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली यूज करते हैं. लाइक घर में किसी छोटे बच्चे की बर्थडे पार्टी है, तो बर्थडे पार्टी पे पहले आप एक्सपेंडिचर की एक लिस्ट बना लेते हो, डायरी में लिख लेते हैं कि इन इन गेस्ट को हमें बुलाना है और इतना इतना हमारा इस पे खर्चा होगा. फिर जो शगुन वगैरह आते हैं वो आपका इनकमिंग ऑफ कैश हो जाता है. आप दोनों चीजों को मैच करते हो, आपको लगता है कि मेरा कितना टोटल खर्चा हुआ, ठीक है. घरों में शादी ब्याह भी हो तो हम इसी तरह से किसी इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए चाहते या ना चाहते हुए हम सिंगल एंट्री सिस्टम को कहीं ना कहीं यूज करते हैं. तो व्हेन यू ऑर्गेनाइज एन इवेंट एट योर प्लेस एंड एनुअल फंक्शन इज बीइंग होस्टेड बाय अ स्कूल, बाय सम यूनिवर्सिटी और कॉलेज, दे डू यूज दिस सिंगल एंट्री सिस्टम, बिकॉज वो रिटर्न में अपनी कन्वीनियंस को देखते हुए कुछ लिख के रिकॉर्ड जब बनाते हैं तो वो सिंगल एंट्री सिस्टम की एग्जांपल ही रहती है. नाउ एज एवरी कॉइन हैज टू साइड हेड एंड टेल, सेम इज विद माय सिंगल एंट्री सिस्टम. इफ इट हैज सर्टेन एडवांटेजेस, इट इज सफरिंग विद सर्टेन लिमिटेशंस टू. नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस यू विद दैट लिमिटेशंस. डिफिकल्टी इन चेकिंग अर्थमेटिकल एक्यूरेसी. अर्थमेटिकल एक्यूरेसी स्टूडेंट्स तभी चेक होती है अगर आपने जर्नल के बाद लेजर बनाया और लेजर के बाद आपने ट्रायल बैलेंस बनाया. ट्रायल बैलेंस का मैच होना हमारा 99.99% इस बात का प्रूव और एविडेंस होता है कि एवरीथिंग इज करेक्ट
or correctly entered or correctly posted or correctly balanced in context of ledger account. But hereby, if we are not preparing journal entries, we are not preparing ledger, agar bana bhi rahe hain to gine chune bana rahe hain, trial balance banane ke bare mein to hum sochte hi nahi hai, to how can we judge the arithmetical accuracy of our ledger accounts? So business single entry system ke sahare lambe samay tak nahi chalaya ja sakta, aapko kahin na kahin double entry system ki help leni hi padegi, then only you can ensure ki yes, our accounts are accurately maintained. लेकिन ये सिस्टम क्योंकि यहाँ पे अजमाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता, इसलिए इसकी लिमिटेशन बन जाती है. डिफिकल्ट टू असिंचन ट्रू प्रॉफिट, ये रफ सा एक फॉर्मूला बनाया, एडजस्टेड कैपिटल का कंपैरिजन ओपनिंग कैपिटल से किया और प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट कर लिया. ये जो प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट हो रहा है ये कोई सही थोड़ी ना, क्योंकि इसमें कहीं पे नॉमिनल अकाउंट्स को कंसिडर ही नहीं किया. तो आई डू हैव सो मेनी अदर इनकम्स इन माई बिजनेस, सो मेनी अदर एक्सपेंसिस इन माई बिजनेस, एंड आई हैवंट कंसिडर्ड देम व्हाइल कैलकुलेटिंग माई प्रॉफिट. So whatever profit we are calculating by using this system is not always a true picture, true profit of our business. Difficult to judge the financial position with regard to your assets and liabilities. यहाँ पे assets और liabilities में हम adjustments करते ही नहीं है, like depreciation we never deduct from the asset. assets की value हम उसी पे show करते हैं जितने पे हम लोगों ने खरीदा था. तो financial position with context to your possessions in terms of assets and you are owing to outsiders, what you owe to others, to outsiders, liabilities ke context mein bhi jo hamara sara hisab kitab hai wo sahi sabit nahi hota kyunki yahan pe complete record nahi banaye jate, isliye hum log ye mante hain financial position bhi sahi tarah se judge nahi hoti. इस मेथड के अकॉर्डिंग जो भी प्रॉफिट आएगा मैं उसे नेट प्रॉफिट कहूंगी. ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का कोई प्रोविजन ही नहीं है भाई. We never demarcate between the direct and indirect expenses as we were doing in our final accounts. The chapter we recently finished, right? वहाँ पे क्या होता था? पहले GP निकलता था. GP used to be the next point or the beginning point of my profit and loss account. And after profit and loss account, we were preparing our balance sheet. लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा sequence, ऐसा system है ही नहीं. Gross profit निकालने का कोई provision ही नहीं है. तो ये भी एक इसका limitation है. Lack of statistical data. As all the transactions are not being posted, कुछ transactions ignore की जाती हैं. तो अगर मैंने current year का previous year के साथ कोई comparison करना है तो मेरे पास full fresh data होता ही नहीं है. हम अपनी मर्जी से data को record करते हैं, अपनी मर्जी से कुछ data को ignore कर देते हैं, इसलिए full fledged statistical records of previous periods or past time we can't exhibit. Tax assessments. ये कैसा सिस्टम है जिसको हमारा इंडियन इनकम टैक्स एक्ट भी परमिट नहीं करता, ठीक है? तो इसके अकॉर्डिंग जो भी प्रॉफिट निकाला जाता है उसको वो सही प्रॉफिट नहीं मानता. इनकम टैक्स की पेमेंट करने के लिए आपको कहीं ना कहीं सीए की हेल्प लेनी पड़ती है, लेकिन ये सिस्टम हमें डायरेक्ट परमिशन नहीं देता कि जो भी प्रॉफिट हमारा निकाला गया है सिंगल एंट्री सिस्टम से वो सही है कि नहीं, ठीक है? इसलिए टैक्स की असेसमेंट में भी हमें प्रॉब्लम आती है. Difficult to rectify the error. जब यहाँ पर ट्रायल बैलेंस ही नहीं बनना तो गलतियां कहाँ ढूंढूंगी? जब गलतियां नहीं ढूंढूंगी तो उन्हें सुधारूंगी कैसे? आप जरा याद करो ट्रायल बैलेंस का चैप्टर. ट्रायल बैलेंस का ना मैच होना हमेशा इस बात का प्रूफ था that certain errors are there which we were putting to my suspense account and then we tried our best to remove to locate those errors and then to correct those errors. लेकिन यहाँ पे ना तो ट्रायल बैलेंस बनता है. अगर ट्रायल बैलेंस नहीं बनता हमें गलतियां नहीं पता चलती. अगर एरर्स पता ही नहीं चले तो हाउ कैन वी प्रोसीड टू रेक्टिफाई देम? सो दिस इज आल्सो द लिमिटेशन. डिफिकल्ट इन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, द एक्यूरेट फिगर्स अबाउट द परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल पोजीशन कांट बी असेंटेड, सो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू नो द रीजन फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ डिटीरियोरेशन इन प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. क्योंकि आपके पास एग्जैक्ट डाटा ही नहीं है, हाउ कैन यू इम्प्रूव और हाउ कैन यू कंपेयर इस साल मेरा प्रॉफिट कम हुआ है कि ज्यादा हुआ है, ठीक है? एसेट्स की पोजेशन के बारे में आपको नहीं पता चलेगा कि एसेट्स आपके बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं, क्योंकि आपके पास पास्ट ईयर का फुल फ्लेश डाटा ही नहीं होता. जब आपका कंपैरिजन ही पॉसिबल नहीं होता आप फ्यूचर के बारे में फोर्सी कैसे करोगे, फ्यूचर को प्लान आउट कैसे करोगे? इसलिए ये भी लिमिटेशन हो जाती है, आप फ्यूचर के बारे में सही डिसीजन नहीं ले पाते हो. इसके अलावा कुछ और भी छोटी मोटी ही सेस डिफिकल्टीज है. जब कभी भी आपने बैंक से लोन लेना होता है ना, दे ऑलवेज डिमांड द लास्ट टू और थ्री इयर्स बैलेंस शीट्स, क्योंकि बैंक हमेशा आपकी बैलेंस शीट में देखता है आपके सिर के ऊपर पुराने कर्जे तो नहीं चढ़े,
बैलेंस शीट में बैंक देखता है आपके रिजर्व्स वगैरह कितने हैं, लेकिन आप सिंगल एंट्री में बैलेंस शीट बनाते ही नहीं हो। अगर बनाते हो तो आधा अधूरा रिकॉर्ड रहता है, तो बैंक सिंगल एंट्री सिस्टम से जो लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हैं उनको लोन नहीं देता आसानी से। इन सेटलिंग फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स इन द कोर्ट ऑफ लॉ, कोर्ट के में भी अगर आपने अपना कोई केस प्रेजेंट करना है या आपके अगेंस्ट किसी ने केस कर दिया है, आप अपनी फेवर में आगे उसकी एडवोकेसी करना चाहते हो, तो उस केस में हमारा जो इंडियन कोर्ट है वो भी सिंगल एंट्री सिस्टम को परमिशन नहीं देता। इट इज नॉट एन ऑथेंटिक सिस्टम एज पर आर इंडियन पीनल कोड। इन द डिटर्मिनेशन ऑफ परचेज, यस, जब आपने कभी अपना चलता चलाता बिजनेस बेचना है तो बिजनेस बेचने से पहले आपको अपने सारे एसेट्स की वैल्यू डालनी होती है, सारी लाइबिलिटीज की वैल्यू डालनी होती है, फिर कहीं जाके आप डिसाइड करते हो मेरा बिजनेस कितने में बिकेगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि फुल फ्लेज रिकॉर्ड नहीं रहते आपके पास, तो आपको लिए अपने बिजनेस की वैल्यूएशन डालना बिकम्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। सो अबंडेंस ऑफ लिमिटेशंस आर देयर, इवन देन मोस्ट ऑफ द स्मॉल स्केल बिजनेस हाउसेस दे रिलाय अपॉन इट, दे आर यूजिंग दिस सिस्टम। ठीक है, अपने आप में सिस्टम में कोई दम नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे सिलेबस का पार्ट है और स्मॉल बिजनेस हाउसेस आज के जमाने में भी इसे यूज करते हैं, तो दैट्स व्हाई वी आर रीडिंग इट। उसके बाद ये भी हम डिफरेंस करेंगे भाई, डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम में डिफरेंस क्या है। सो मेनी पॉइंट्स ही हैज मेड 14, वी विल जस्ट बी डूइंग 9-10 हम पॉइंट्स करेंगे, एंड दैट वी विल पिक टुमारो, राइट? आफ्टर कंप्लीटिंग द डिफरेंस देन वी विल स्टार्ट द न्यूमेरिकल पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर। 4 or 5 days लगेंगे, and then I already told you computerized accounting or computers in accounting we will be picking. For that I will be sharing the notes with you, and from notes only we will prepare that chapter. Any doubt to anyone from today's lecture you may ask? You want to ask anything? किसी को पूछना है कुछ? Silence.